चल तो स्ट्रेट लाइन पूरी बता दी थी, सारी चीजें बता दी थी। उसकी जो लास्ट टॉपिक हमने आपको बताई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन में, वो बताई थी लोकस। क्या बताई थी? उसी लोकस को आप पकड़ के चलना है, वही लोकस अब हमें पूरी की पूरी कॉनिक सेक्शन देना होने वाला, इंक्लूडिंग सर्कल। इंक्लूडिंग आपके एनसीईआरटी बुक में सर्कल जो है वो कॉनिक सेक्शन के चैप्टर के अंदर दिया है। एक एक्सरसाइज कितनी बेटा, उस एक एक्सरसाइज से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सर्कल अपने आप में एक दुनिया है, जिस बच्चे को सर्कल अच्छे से आ गया उसकी कॉनिक सेक्शन उसी समय कंप्लीट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी यानी इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट। बाकी क्वेश्चन तो अलग अलग वैरायटी के हैं, लेकिन वो रिजल्ट जो अभी हम सर्कल में पढ़ेंगे उसी तरीके के सारे रिजल्ट हम किसमें पढ़ेंगे? पैराबोला में भी, इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। यानी इसको ध्यान से समझने का, बात समझ में आया? शुरुआत करते हैं सर्कल से। किससे? अच्छा, सर्कल, सर्कल का क्या मतलब होता है कोई बताएगा? गोला। सर सर्कल का मतलब गोला, कोई कॉर्नर नहीं होता। हाँ, सर्कल का मतलब क्या होता है? गोला। हिंदी में बोलते हैं सर वृत्त, सर वृत्त, वृत्त, वृत्त। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त, वृत्त, ठीक है। सर्कल क्या होता है समझे, जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन डिफाइन करता है? घूमता हुआ पॉइंट जिसका नाम लोकस है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है वो समझना। कहता है कि व्हेन ए पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई या एच कॉमा के या अल्फा कॉमा बीटा जो भी मान लो आप, मूविंग इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, देन द पाथ फॉलोड बाई दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कहलाता है इसका डेफिनेशन? इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन, मूविंग इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस, क्या लिख रहे हैं बच्चे? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स्ड पॉइंट को सर्कल के टर्म में सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट टर्म को हम यहां रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑलवेज कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेडियस, कॉल्ड रेडियस। अब समझना, यहीं से कहानी शुरू हो रही है, समझना इसको फिगर से कि हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पी पॉइंट, कोई पॉइंट है, अगर मान लीजिए हम एक सर्कल अगर बनाए तो कुछ ऐसी बात है, बना ऐसा सर्कल, ठीक है, जहां पे एक फिक्स पॉइंट है जिसको आप कुछ भी नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल आप एच कॉमा के नाम दे दो, क्या नाम दे दो? दे दिया एच कॉमा के। इसके रेस्पेक्ट में यहां कहीं एक पी पॉइंट बैठा है जिसकी कोऑर्डिनेट आप लोकस है, तो क्या ले लोगे थोड़ी देर के लिए? एक्स वन कॉमा या एक्स कॉमा वाई, कुछ भी ले ले। तो कहता है कि इस तरीके से घूम रहा है कि ए इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या है? इक्वल है, हमेशा क्या है? जस्ट लाइक कि एक स्टोन ले, एक थ्रेड में बांध और बांध के इसको ऐसा गोल गोल घुमा, समझ रहा है? तो जो बात फॉलो करेगा तुमको कैसा पाथ दिखेगा? सर्कुलर पाथ। कैसा दिखेगा? जस्ट लाइक फैन। अरे हाँ या ना, अगर इस ये जो पॉइंट जो तुमने पत्थर बांधा है ना, वो पत्थर जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, जिस पाथ को, उसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस, और वही इक्वेशन ऑफ लोकस यहां क्या कहलाएगा? सर्कल। क्या कहलाएगा? सर्कल। अगर उसके कंडीशन को हम चेंज कर दें, उसके कंडीशन को क्या कर दें और बोल दें कि अब जो पॉइंट है, वो जो मूविंग पॉइंट है जिसको हमने खुला छोड़ रखा है, और कुछ इस कंडीशन से चले कि एक लाइन है और एक पॉइंट है, उससे वो बराबर दूरी पे है, उससे वो तब वो हमें जो पाथ देगा उसको हम पैराबोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैराबोला भी बताएंगे। हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान ले एक लाइन है और यहां पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है मान ले, ऐसा हम समझाने के लिए ले रहे हैं, अभी पढ़ाएंगे इसको। एक पॉइंट है हमारे पास यहां पे इतनी दूरी पे, तो कह रहा है एक पॉइंट है जो इससे बराबर दूरी पे और इससे भी हमेशा क्या रह रहा है? बराबर दूरी, यानी इस लाइन से भी बराबर दूरी पे और इस पॉइंट से भी बराबर दूरी पे। यानी अगर पॉइंट यहां है तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या है? बराबर। अगर ये पॉइंट अगर मान ले, थोड़ी देर के लिए फिगर हम बना दे रहे हैं, ऐसा कुछ बनेगा पैराबोला का, ठीक है, ये पॉइंट अगर यहां जाएगा ना तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या रहेगा? बराबर। अगर ये पॉइंट घूम के अगर यहां पहुंचे तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या रहेगा? अगर इस कंडीशन के साथ मूव कर रहा है ना पॉइंट, तो ये जो पाथ फॉलो हो रहा है ना, ये पाथ, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं बच्चे? पैराबोला। तो यहां हमने कंडीशन चेंज किया, क्या कंडीशन लिया यहां पे? कि ये जो पॉइंट आपने मूविंग पॉइंट लिया है वो इस कंडीशन के अंदर चल रहा है कि वो दो चीज से हमेशा बराबर दूरी पे है, एक लाइन और एक पॉइंट, तब वो हमें पाथ जो मिल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पैराबोला। कंडीशन चेंज कर देंगे, फिगर चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, समझ रहा है? तो यहां जो अभी फिलहाल हम सर्कल में कंडीशन लिए, वो क्या कंडीशन लिया है
कि एक पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट स्पेस में घूम रहा है प्लेन में वो हमेशा कितनी दूरी पे है, बराबर दूरी पे, चाहे वो कहीं भी चला जाए लेकिन वो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, यानी वो कांस्टेंट है। और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चे, रेडियस। अच्छा एक बात बताना आप सभी लोग कि क्या इस डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे, एक्स वन माइनस एच का होल स्क्वायर है ना प्लस वाई वन माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी ये डिस्टेंस लिया, मान लो ये लिया, क्या लिया, तो यहाँ ए और यहाँ अंडर, हाँ या ना बोल, यही है। हम लास्ट में जब इक्वेशन लिखते थे तो क्या करते थे, x1 y1 को किससे रिप्लेस कर देते थे, x y से। तो अगर रिमूव करें तो ये ऐसा दिखेगा, x माइनस h का और y माइनस इज इक्वल टू ए, जो आपको दिखता है ना इसी को हम बोलते हैं बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, जहां पे सेंटर जो है क्या है बच्चे, वो है h कॉमा के, क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन समझाने के लिए ले लें, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ, जहां हम ई ओ सी लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल होज सेंटर इज, सेंटर इज 2, -3 एंड रेडियस इज 5, रेडियस इज 5, तो क्या होगा आंसर, सभी लोग बता सकते हैं, सभी लोग बता सकते हैं, एक्स माइनस कितना भैया 2, एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस यहां क्या लिखेगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 26। तो क्या इसको आप अरेंज करके एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का क्या लिखोगे, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कोई दिक्कत है क्या, यही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, ये बात हो गई किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म की, किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन इससे हमारा काम नहीं, अरे हाँ अभी रुक जा, अभी पढ़ाने दे, अभी रुक जा, कितना करना है वो तुम डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल के टीचर कितना करा रहे हैं, अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर इतना ही छोड़ रहे हैं तो इतना ही पे छोड़ना, इससे ज्यादा करोगे तो समझेंगे तुम ओवर स्मार्ट हो, तुम्हारा नंबर काट लेंगे, हाँ ज्यादा तेज नहीं बनने का स्कूल में, जितना स्कूल टीचर पढ़ा रहा है उतना ही पढ़ने का नंबर लाने के लिए, बाकी जितना पढ़ना है पढ़, जैसे जितनी उड़पटांग हरकतें करना है कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में जो पेपर स्कूल के टीचर चेक करेंगे उसमें उतना ही लिखना है जितना आपके टीचर ने बताया है, तभी नंबर मिलेगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 प्लस 3 आयोटा लिखवाया है तो 2 प्लस 3 आयोटा लिख, अगर 3 आयोटा प्लस 2 भी लिखवाया है तो दोनों में से कोई भी लिख, लेकिन अगर उसने कहीं भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को पहले रियल और इमेजिनरी रखा तुमने पलटा तो 0 मिलेगा, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हें बोलेगा कि तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा, किस फॉर्म में नहीं लिखा, हाँ उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुमने इमेजिनरी पार्ट को पहले लिखा और रियल पार्ट को बाद में लिखा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है। तो अगर स्कूल टीचर इसको ओपन करके तुम्हें पढ़ाया होगा तो इसको ओपन करना, नहीं पढ़ाया होगा तो नहीं करना, हम आपको सारी चीजें पढ़ा, ठीक है। अगले जो कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे बच्चे वो पढ़ेंगे जनरल फॉर्म, क्या पढ़ेंगे बच्चे, जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक कैसे बनता है आप समझ रहे हो, थोड़ा सा यहां पे ध्यान से, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनता है, ये जो आपने इक्वेशन लिखा ना, क्या लिखा बच्चे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा, के स्क्वायर लिखा, आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर इस स्क्वायर रूट को, स्क्वायर को अगर ओपन आप करते हो तो क्या दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिखा, माइनस का 2hx दिखा, हाँ या ना बोल, प्लस क्या दिखा तुम्हें, वाई स्क्वायर, और प्लस क्या दिखा, और माइनस का 2ky आया ना, और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिखा, क्या दिख गया सभी को, कोई दिक्कत है। अब यहां क्या कहता है जनरल इक्वेशन, इसके बनाने के लिए कुछ एज्यूम कर ले, मान ले लेट, आपको मानना लेट माइनस एच इक्वल टू जी, माइनस एच को क्या मानना है, और माइनस के को तुम्हें मानना है, माइनस के को क्या मानना है, और दूसरी चीज तुम्हें माननी है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तुम्हें माननी है सी, क्या माननी है, तो देख ए इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो रहा है, हम पूरा लिख रहे हैं तुम्हारे लिए, एक्स स्क्वायर दिख गया प्लस का वाई स्क्वायर दिख गया, जो जैसा वैसा ही रख दिया, चूंकि तुमने माइनस एच को क्या ले लिया है, जी, क्या ले लिया है, तो तुम्हें यह दिख रहा होगा 2gx दिखा गया, दिखा, और इसके बगल में तुम्हें दिख रहा होगा 2fy दिख गया, क्या दिख गया,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स और प्लस टू एफ वाई और प्लस हम यहां लिख रहे हैं सी इक्वल टू जीरो. क्या लिख रहे हैं सर? कैसे लिखा सी? देख ए एच स्क्वायर ए आपका के स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को हमने क्या लिया है? अरे आया नहीं आया? अरे आया. तो ये जो आपका इक्वेशन दिखता है ना इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल. जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल. अच्छा सर इसमें और उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं. यहां जो आपने सेंटर लिया वो एच कॉमा क्या है? इस तरीके से अगर इक्वेशन दिया रहे तब जो आपके पास सर्कल है उसका जो सेंटर है वो माइनस जी कॉमा कितना है बच्चे? माइनस एफ. माइनस जी कॉमा कितना है सर? कैसे लिखते हैं देखना. आपने एच लिया ना यहां सेंटर. क्या लिया? यहां तो आपके पास एच लिया तो यहां जब एच की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? क्या ये बात समझ में आ रही हो? अच्छा सर एक चीज और बताओ कि अगर आप एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? तो अगर यहां से हमें रेडियस निकालना, क्या निकालना? चल थोड़ी देर के लिए हम इक्वेट करके आपको थोड़ी सी चीजें हम बता रहे हैं, समझना कि अगर यहां से हमें रेडियस निकालना, क्या निकालना हो? रेडियस. सेंटर निकालना हो तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं. कैसे वो समझना थोड़ा सा. आप अल्फा बीटा के भी टर्म में लिख सकते हो. अच्छा एक बात बताना थोड़ा सा समझ के और सोच के बताना कि अगर यहां पे इस इक्वेशन में हम आपसे सेंटर पूछे, क्या पूछे? सेंटर. तो कैसे निकालेंगे? सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ है. एक क्वेश्चन से बता रहा, समझना तो हम जनरलाइज कर देंगे. एक क्वेश्चन ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस का सिक्स वाई और प्लस फाइव इक्वल टू जीरो. क्या लिख दिया हमने? प्लस फाइव इक्वल टू जीरो. यहां माइनस फाइव इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं. ठीक है, कोई दिक्कत है? हम इसी में लिख रहे हैं आपसे फाइंड सेंटर. क्या लिख रहे हैं बच्चे? सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल. एंड रेडियस ऑफ सर्कल एक क्वेश्चन हमने आपसे लिखा. अब देख इसको अप्रोच करने का तरीका सिंपल सा है. सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन ले लो जो तुम्हें रट्टा मारना है. वो है कितना बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस कितना? टू जी एक्स और प्लस सी इक्वल टू कितना? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा एक बात, सेंटर तुम्हें क्या देगा? माइनस जी कॉमा एफ. माइनस जी कॉमा एफ. तो क्या तुम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर पा रहे हो? तो जैसे ही तुम कंपेयर कर पा रहे हो क्या 2g की वैल्यू तुम्हें माइनस फोर दिख रही है? अरे देखिए क्या 2g की वैल्यू कितनी दिख रही है? तो तुम्हें यहां से क्या g की वैल्यू माइनस टू दिख रही है क्या? लेकिन तुम्हें सेंटर के लिए क्या चाहिए? तो समझ यहां हम लिख रहे हैं सेंटर. रुक जा अभी, यहां सेंटर क्या लिख रहा है? समझ रहा है सेंटर? यहां से माइनस जी की वैल्यू कितनी आ गई अभी हमारे पास? टू. छोड़ दे बोला यार. अच्छा फिर यहां जब तुम वाई को कंपेयर करोगे किसको? तो यहां y 2f है. क्या है? 2f. और यहां y का कोफिशिएंट कितना है? 6. तो क्या तुम यहां से 2f equal to 6 लिखने वाले हो? तो क्या तुम्हें f की वैल्यू 3 दिख रही है? लेकिन तुम्हें माइनस f चाहिए तो कितनी दिख रही है? -3. कोई दिक्कत है क्या? तो सेंटर क्या तुम्हें 2, माइनस 3 बनते हुए दिखा? अब बात आई रेडियस की. किसकी? अच्छा एक बात बता, अगर c को तुमने एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माना है तो तुम यहां से मुझे बता कि क्या ए स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी दिख रही है? सोच ले. दिख रहा है? हमें ए स्क्वायर चाहिए, हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए. हमने एक साइड रखा. अच्छा एक बात बता, एच ही माइनस डी के बराबर है? एच माइनस जी के बराबर और के माइनस. तो क्या तुम्हें यही फॉर्मूला ऐसा भी दिख रहा है क्या? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सोच, क्योंकि h के जगह हमने माइनस ही पुट कर दिया, k के जगह माइनस एफ पुट कर दिया, स्क्वायर लगा लिया. अच्छा क्या ये वैल्यू अपने पास है क्या? हाँ है. यानी अगर हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हमारे पास g स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4. सोच ले. और f स्क्वायर की वैल्यू है 9. सोच लिया. और हमारे पास c की वैल्यू है माइनस 5. कितनी c की वैल्यू कितनी है? तो यहां लिखेगा माइनस माइनस 5. सोच लिया. 9, 4, 13, 5 कितना हो गया? 18. हाँ या ना बोल. क्या तुम्हें यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू 18 दिख रही है? 9 × 18 यानी तुम्हें क्या रेडियस की वैल्यू यानी ए जो है वो 3√2 दिख रही है? अरे आया नहीं आया? लेकिन इतनी राम कहानी करने का हमारे पास समय नहीं है, इसको डायरेक्ट मौखिक कैसे निकालेंगे उसकी चर्चा हो. लेकिन कंसेप्ट क्या है हमने आपको बताया. अब यहां से क्या सभी को खुली आंखों से जो दिख पा रहा है वो बताइएगा कि क्या आपका जो सेंटर है वो एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का नेगेटिव है क्या? जो आपका सेंटर है सर्कल का, वो जो भी इक्वेशन दिया है सर्कल का उसमें जो एक्स की कोफिशियंट है किसकी?
उसके कॉफिशियंट के हाफ का नेगेटिव है क्या? अरे आया। और जो दूसरी कोऑर्डिनेट यानी वाई है वो वाई के कॉफिशियंट का हाफ का नेगेटिव है क्या? यानी सीधा याद रखना है कि किसी भी सर्कल का सेंटर जो होता है वो माइनस ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू होता है और माइनस ऑफ कॉफिशियंट ऑफ वाई डिवाइड बाई। मान ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो लिखा तो सेंटर है माइनस सेवन बाई टू एंड माइनस फाइव बाई टू खत्म। अरे आया नहीं आया? लिख के बता रहे कोई दिक्कत है इसमें? सारी चीजें लिखवा रहे बस हम तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि क्या तुम्हें सेंटर डायरेक्ट इस वाले का हाफ का नेगेटिव दिख रहा है क्या और इस वाले का हाफ का नेगेटिव दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना यहाँ, बाकी सब क्वेश्चन में भी दिखेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नोट कर बता रहे फटाफट जल्दी जल्दी थोड़ा नोट करेगा। चल देखेगा जो हम बात कहना चाह रहे हो क्या है वो समझेगा। अगर आपके पास मान ले सर्कल का इक्वेशन जो है वो हमारे पास कुछ ऐसा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का कितना दिया बच्चे 2gx और प्लस का कितना 2fy और प्लस c इक्वल टू कितना 0। अगर ये आपके पास सर्कल का इक्वेशन दिया है जो कि जनरल इक्वेशन है अभी तो याद हो जाना चाहिए। हाँ या ना बोल? तो अगर ऐसा सर्कल का इक्वेशन दिया है तो सेंटर निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो हम आपके लिए लिख रहे हैं। सेंटर जो इस केस में आएगा बच्चे वो आएगा माइनस का कॉफिशियंट ऑफ व्हाट बच्चे एक्स एक्स डिवाइडेड बाय कितना 2 एक्स कोऑर्डिनेट आ गया और माइनस का कॉफिशियंट ऑफ वाई कॉफिशियंट ऑफ डिवाइडेड बाय कितना 2 ये आ गया क्या बच्चे सेंटर। अब आ गई बात रेडियस की, किसकी रेडियस। तो रेडियस भी आपने देखा कि रेडियस और कुछ नहीं है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या है सी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या है जी। तो यहां फिर से तुम क्या लिखोगे कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस और इसका कितना बच्चे होल स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे कॉफिशियंट ऑफ वाई ठीक है कॉफिशियंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई टू माइनस का होल स्क्वायर और माइनस यहां क्या लिखोगे और यहां क्या लगाओगे रूट क्या लगाओगे। अच्छा कोई बात बोलेगा क्या कि जैसे यहाँ ए स्क्वायर आया था तो ए स्क्वायर 18 आया था ना तो हमने ए की जो वैल्यू लिखी थी वो रूट अंडर 18 लिखी थी। हाँ या ना? यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया था? लगाना तो चाहिए था ना प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया रेडियस थी क्या थी और रेडियस हमेशा कैसा होता है। क्या ये बात समझ में आ रही इसमें कोई दिक्कत है? यानी अब अगर ये फॉर्मूला हमें याद हो गया तो इस तरीके से आसान भाषा में समझ लें। अब देख हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और आंसर चाहेंगे आपसे डायरेक्ट। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमें आप सेंटर बता दो फटाफट। सेंटर होगा 3y2 माइनस 5y2 कोई दिक्कत है पक्का? आप एक कैसे किए आप इसको कंपेयर कर लो कि 2g की वैल्यू कितनी है माइनस 3 तो g की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3/2 नेगेटिव लेना है तो प्लस 3/2 बात समझ में आ रहा है कोई दिक्कत है। अच्छा अगर यहां से अब हम आपसे रेडियस पूछ ले क्या पूछ ले रेडियस तो रेडियस क्या कहता है बच्चे 9/4 प्लस 25/4 और माइनस माइनस प्लस का और रूट के यानी सॉल्व करेगा तो 25 9 कितना हो गया 34 और 28 34 और 28 कितना हो गया 62 कितना 62 रूट अंडर और डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेगा 2 नीचे क्या लिखेगा। अरे आया नहीं आया कोई दिक्कत है पक्का समझ आया कैसे करना। लेकिन अगर आपके टीचर ने स्कूल में ये मेथड नहीं बताया है तो आप इस पे नहीं जाओगे। तो सर अगर ऐसा इक्वेशन दिया है और हमसे सेंटर पूछा गया है और रेडियस पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? तब हम इस इक्वेशन को आपके स्कूल के तरीके से x माइनस h के होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करें। किस फॉर्म में r स्क्वायर लाने की फॉर्म में कोशिश करें।
तो अगर आपके स्कूल टीचर ने ऐसे कराया होगा कि आपको ये फॉर्म पढ़ाई नहीं होगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्म नहीं दिया, एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्म नहीं दिया, वो केवल इस तरीके का दिया है। तो अगर इस तरीके से अगर आपको करना होगा तो ये जो इक्वेशन है आपको इस तरीके से लेके आनी पड़ेगी। अब कैसे लेके आएंगे, तो इसको करने के लिए आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, नहीं आता तो सीख लेंगे। हाँ, जो भी था, अगर डिलीटेड था तो जान ले क्योंकि पूरी ट्वेल्थ में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से हम देखें थोड़ा सा इसको, तो ऐसी कुछ बात बन रही है कि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान देंगे सभी लोग, एक्स स्क्वायर और इसके साथ हम एक्स वाले टर्म को रख रहे हैं यानी माइनस थ्री एक्स रख दिया और प्लस का हम यहां रख रहे हैं वाई स्क्वायर, क्या रख रहे हैं वाई, और इसके साथ हम वाई वाले टर्म को रख रहे हैं यानी फाइव वाई और बगल में हम रख रहे हैं माइनस सेवन इक्वल टू कितना बच्चे जीरो। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या कहता है कि आप यहाँ ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेके आने की कोशिश करेंगे। तो यहां आप देख पाओगे कि यहां जो आपके पास वैल्यू आ रही है कुछ इस तरीके की आ रही है, एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, यानी ए स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर अगर लेते हैं हम ए स्क्वायर, तो हमारे पास अगला टर्म जो है माइनस टू ए बी, कितना माइनस टू ए बी। अगर माइनस टू ए बी लेना है तो ए क्या होगा, तो माइनस टू ए की जगह तो जो यहां बैठा है वही होगा एक्स, क्या होगा बच्चे बोल आया, और b की जो वैल्यू है वो जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ होगा, उसका क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 3 बाई 2। सब चेक करने का तरीका ये सॉल्व होके इतना ही होना चाहिए। तो यहां आपने b क्या लिया है 3 बाई 2, लेकिन ऊपर तो नहीं है, तो हम b स्क्वायर अपनी मर्जी से लेके आए, अपनी मर्जी से लेके आए, हाँ या ना बोल। तो क्या हम इस सबको हटा ले, अरे हटा लिया, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बोल आया फिर से बता रहे ए स्क्वायर माइनस टू ए के जगह क्या रखा x, और b की वैल्यू हमेशा जो यहां रहती है उसका हाफ लेते हैं, क्या लेते हैं और चूंकि हमें फॉर्मूला बनाना है तो हमें b स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, तो जो यहां b है उसका स्क्वायर कर दिया, चूंकि ये ऊपर है नहीं तो इसको हटा दिया। बात समझ में आ रहा है, फिर से अगले स्टेप में हम दूसरे वाले के लिए बता रहे हैं। अब ये देख वाई स्क्वायर और फाइव वाई, इसमें भी हम क्या लगा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, समझना, वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर लगा दिया, फिर क्या लिखेगा प्लस है तो प्लस टू ए के जगह क्या रखा वाई और बी, जो भी यहां है उसका हाफ कितना, अच्छा एक बात बता, फाइव बाई टू है तो क्या करेगा, इसको लेके आएगा और इसको बोलाया, और इसके अलावा माइनस का सेवन इक्वल टू जीरो लिखा है, बोलाया। अब समझना कि यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला बना, जो बना एक्स प्लस कितना बच्चे थ्री बाई टू का आया एक्स माइनस माइनस है, ओके ठीक है, एक्स माइनस थ्री बाई टू का कोई दिक्कत है, अच्छा ए बच गया ना, हाँ तो बचने दे, और यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला बना, सोच कितना एक्स सॉरी वाई प्लस कोई दिक्कत है, ठीक है बीच में कैसा साइन, जो बच गया उसको लिख, जो बचा हुआ है माइनस नाइन बाई फोर माइनस नहीं प्लस का 25 बाई 4 माइनस माइनस का, अच्छा माइनस का 25 बाई 4 है और फिर क्या बच्चा माइनस इक्वल टू कितना जीरो। तो क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्या, एक्स माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 62 बटा 4 दिख गया 62 बटा 4 कोई दिक्कत है। अब कंपेयर करेगा तो एक्स माइनस एच, एक्स माइनस तो तुम्हें जो सेंटर है वो कितना दिख रहा है बच्चे 3 बाई 2 कॉमा माइनस 5 बाई दिखा, जो यहां था वही आया, और तुम्हें जो रेडियस है वो r की वैल्यू कितनी दिख रही है रूट अंडर 62 बाई 4 दैट इज r इज इक्वल टू 62 रूट अंडर डिवाइड बाई कितना बोल आया। अब आपके स्कूल टीचर ने जो पढ़ाया होगा वही आप इस्तेमाल करोगे, एनसीईआरटी इसको ऐसे करता है, हम इसको आपको ऐसे करके देते हैं एक लाइन, बात समझ में आ रही है। तो सेंटर का मतलब क्या है भैया, x के कोफिशिएंट का हाफ का नेगेटिव, y के कोफिशिएंट का हाफ का नेगेटिव, और रेडियस का फॉर्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इतनी बात क्लियर है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, तो सबसे पहला मेथड लिखता है बुक में, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर यूनिटी। हमेशा सर्कल के इक्वेशन का सेंटर रेडियस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ऐसा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 16y और प्लस 20 इक्वल टू 0 माइनस 20 इक्वल टू कितना, तो सबसे पहले क्या कॉमन करेगा
सबसे पहले क्या कॉमन करेगा, और जैसे 4 कॉमन करेगा इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का कितना 3x प्लस का 4y और माइनस 5 इक्वल टू कितना। कोई दिक्कत है क्या सभी को? यहां से सेंटर दिख रहा है, आप बोल भैया। हाँ कितना दिख रहा है, 3/2 कितना दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, माइनस 2। क्या बात समझ में आ गया? क्या आप सभी को रेडियस दिख रहा है क्या? हाँ रेडियस हम दिखाए, ध्यान से देखना, रूट अंडर 9/4 कितना और प्लस का कितना और माइनस का कितना, तो प्लस का कितना, हाँ माइनस माइनस प्लस 20 होता है। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है, सॉल्व कर लेगा। तो इस तरीके से आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 1 से लेकर 10 तक, वो आराम से हो जाएंगे एनसीईआरटी में, जिसमें आपको केवल इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है और रेडियस और सेंटर निकालना है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप एक बार बुक खोले और उसके वर्ड प्रॉब्लम से पहले जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 2-3 पूछ लें, इसको नोट करें फटाफट। हाँ बोलो जी सर, प्लस 5 आएगा, प्लस 5 आएगा, माइनस सी होता है ना, क्या होता है तो 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ 5 है, ओके सॉरी। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? चल नोट कर फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चल कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा अब इसमें जो अगली चीज हम पढ़ेंगे बच्चे, वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ सर्कल, नेचर ऑफ सर्कल कैसे बनना, थोड़ा ध्यान देगा। पाते नहीं, नेचर ऑफ सर्कल। अच्छा नेचर ऑफ सर्कल किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस। और रेडियस की वैल्यू हमने पढ़ रखी है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो पहला पॉइंट कि अगर मान लीजिए इफ हमारे पास ये जो क्वांटिटी है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो रहा, क्या रहा, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, क्या रहा, पॉजिटिव, तब ये जो सर्कल हमें देगा वो रियल सर्कल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रियल सर्कल, जिसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। हाँ या ना। दूसरी बात कि अगर मान ले कि इफ ए वाली क्वांटिटी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कितनी आ गए, तब तो रेडियस जीरो हो गया, क्या हो गया, रेडियस होगा, पॉइंट ए देगा आपको पॉइंट, क्या देगा, हाँ पॉइंट भी सर्कल है, पॉइंट भी सर्कल, सबसे छोटा सर्कल क्या है, पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है। तीसरी चीज कि इफ आपके पास मान लीजिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो रहे, क्या रहे, तो इमेजिनरी सर्कल देगा, क्या देगा, कैसा बनता है, ख्याली पूरा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब अगली जो चीज इसमें हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, मान लीजिए पॉइंट जो है वो है एक्स वन कॉमा वाई वन, क्या है बच्चे, एक्स वन कॉमा विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। मान ले सर्कल का इक्वेशन जो है वो हमने लिख लिया, रट्टा मान लिया होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 इक्वल टू, तो कहता है कि अगर ये सर्कल है और इसके रेस्पेक्ट में हमें बताना है कि कोई पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो तीन केस हो सकते हैं, कितने, एक वो बाहर हो सकता है, एक सर्कल पे ही हो सकता है, और एक अंदर हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, पहला कि जब इस पॉइंट को इस सर्कल के इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी ये हो जाएगा x1 स्क्वायर कितना प्लस a हो जाएगा कितना y1 स्क्वायर प्लस a हो जाएगा कितना बच्चे 2gx1 प्लस 2xy और प्लस c ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो ये कहता है पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी अगर सर्कल यहां है तो p पॉइंट यहां कहीं है, क्या ये बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रहा है सर्कल से बात। तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है बच्चे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस c इक्वल टू 0, क्या होगा, ऑन द सर्कल, यानी सर्कमफ्रेंस पे आप बोल सकते हो। और तीसरा चीज आपके पास होगा कि अगर आपके पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 और प्लस 2fy1 और प्लस c लेस देन क्या हो जाए 0, तब ये होगा इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। तो अगर फिगर से बताना चाहें तो इसके लिए पॉइंट यही कहीं लाई कर रहा होगा और इसके लिए जो पॉइंट है वो अंदर यहां कहीं लाई कर रहा होगा,
तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू है, अगर सी नाम दे दे, सी नाम दे दे, सी नाम दे दे, पी नाम दे दे, तो इस वाले केस में आप देखोगे कि जो सीपी है क्या है बच्चे, सीपी वो ग्रेटर देन आर होगा। क्या होगा बच्चे? ग्रेटर देन आर। यहाँ आप बोलोगे कि सीपी कितने के बराबर होगा, और इसमें आप बोलोगे कि सीपी कितने के बराबर होगा भैया, लेस देन आर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत है? चलिए अगली चीज जो इसमें हम देखेंगे, देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल। अभी तो कुछ नहीं पढ़ा रहे तुम्हें, क्या बात कर रहे बच्चे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल जो है वो कहीं अपने अपने पोजीशन को चेंज करके कहीं कहीं पहुंचते रहता है, जिसमें हम अलग अलग टाइप्स आपको बता रहे हैं। सबसे पहला टाइप इसमें ले रहे हैं सर्कल सेंटर्ड एट एक्स एक्सिस। सेंटर्ड एट एक्स एक्सिस। सर ये क्या कह रहे हो आप? हमें कह रहे हैं कि अब जो सर्कल का सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे कहीं है, एक्स एक्सिस पे कहीं। यानी एक बात बता कि अगर हमारे पास एक ऐसा सर्कल है तो हम कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं कि इसका जो सेंटर है वो यहां कहीं है, और सेंटर इसका माइनस जी तो होगा एक्स एक्सिस पे है तो, है ना। वाई कोऑर्डिनेट कितनी होगी? जीरो। कितनी होगी? जीरो। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? यानी इसका एफ क्या होगा? जीरो। तो क्या इसका इक्वेशन अगर सभी लोग मानने को तैयार है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सोच लिया, कोई दिक्कत है? तो क्या इसी में अगर हम बोले सर्कल सेंटर्ड एट वाई एक्सिस, सर्कल सेंटर्ड एट वाई, तो क्या इक्वेशन सभी को दिख गया है? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस टू एफ वाई प्लस सी। फिगर क्या दिख गया सभी को? तो एक सर्कल यहाँ पे हम ऐसे बना ले थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे ऐसे फिगर दिखा देते, ए वाला पॉइंट जीरो कॉमा माइनस एफ है। सोच लिया। अगली चीज इसमें हम बोले कि अगर सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, अब अगर ये ओरिजिन पे सेंटर्ड है तो यानी ये फिगर जो है वो किस इस तरीके का दिख रहा है, बोला आया। और इसकी सेंटर कितनी है? जीरो कॉमा, तो जी भी जीरो और एफ भी जीरो। तो क्या सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है? सी कम गया। अरे सी को जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर सी तो लिख रहे थे, आर बन गया। और यही सर्कल का इक्वेशन आपके बुक में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, जिसकी ओरिजिन कहाँ होगी? सेंटर में। अरे ये कैसे आया, नहीं समझ आया क्या? नहीं आया। देख सी की वैल्यू, आर की वैल्यू तुमने क्या लिखी थी? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या लिखी थी? सी लिखी थी, रूट के अंदर हाँ या ना। अब एक बात बता, आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं, आर स्क्वायर इतना लिखी थी हाँ या ना। अब ये कितना हो गया? जीरो। एक कितना हो गया? जीरो। और एक कितना दिख गया? माइनस। जो उस साइड जाके क्या हो चुका है? तो सी ही क्या है? आर स्क्वायर है। नहीं आया क्या? हाँ बोल, इसमें कोई दिक्कत है? ओके ठीक है, अगली चीज समझेगा। क्या रहा है? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है तो क्या कहानी बन रही है? पहली बात बता कि अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम एक फिगर बना दे थोड़ा समझने के लिए कि एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन। यानी ओरिजिन मान ले यहां कहीं है तो कुछ इस तरीके से सर्कल गुजर रहा होगा। ए ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो, हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है? तो क्या ये बात मुझे बता कि अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो जीरो कॉमा जीरो जो है वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? करेगा नहीं क्या? बता रहे इफ सर्कल इज पासेस थ्रू, पासेस थ्रू जीरो कॉमा जीरो, पासेस थ्रू कितना? जीरो कॉमा जीरो। हेंस जीरो कॉमा जीरो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल, नहीं क्या? अच्छा एक बात बता कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे कब लाई करता है? जीरो। कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे कब लाई करता है? जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये ओरिजिन जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है तो क्या सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? तो क्या एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो रख सकते हैं? तो क्या तुम्हें एक्स स्क्वायर भी जीरो, वाई स्क्वायर भी जीरो, टू जी एक्स भी जीरो और टू एफ वाई भी जीरो दिख रहा है? तो सी की वैल्यू कितनी दिख रही है? क्या ये बात अब तुम्हें पता चल गया कि अगर सी की वैल्यू जीरो है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए? क्यों? क्योंकि सी क्या है? अरे आया। तो जब भी कोई सर्कल ओरिजिन से पास होगा तो उसकी जो कांस्टेंट टर्म यानी सी जो है वो कितना रहा होगा?
क्या ये बात समझ में आ रही है? कहां से निकाला? यहां से देख, 0.0 को सैटिस्फाई किया तो सी की वैल्यू कितनी मिली? 0। तो इस सी को हमने हटा दिया और इस पूरे को क्या लिख दिया? इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अभी और है, पहले इतना नोट कर फटाफट। हाँ, सी की वैल्यू 0। अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास होगा तो सी की वैल्यू क्या होगी? 0। बात समझ में आ रहा है? नोट कर फटाफट। चले, अगला जो हम ले रहे हैं, जहां तक बता दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगला हम जो ले रहे हैं यहां बच्चे, वो ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इन डायमेट्रिक फॉर्म। इधर देखेंगे डायमेट्रिक फॉर्म। अब ये डायमेट्रिक फॉर्म क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आपको डायमीटर का एंड पॉइंट दिया रहे, क्या दिया रहा है बच्चे? डायमीटर का एंड पॉइंट। जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल है, ए आपके पास ये डायमीटर है, तो इसकी कोऑर्डिनेट मान लो आपके पास x1 कॉमा कितनी दी हुई है? y1। इसकी कोऑर्डिनेट आपके पास x2 कॉमा कितनी दी हुई है? y2। तब जो इस सर्कल का इक्वेशन होता है बच्चे, होता है एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस कितना एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई टू इक्वल टू कितना? 0। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम प्रूफ कर रहे हैं, चिंता करने वाली बात नहीं। ये बात सभी को पता है कि यहां पे थोड़े देर के लिए इस पॉइंट को हम x, y मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बच्चे? x, y। इस पॉइंट का हम a नाम दे देते हैं और इस पॉइंट का b नाम दे देते हैं, ठीक है? सभी लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए, तो क्या हमें आप स्लोप ऑफ ए पी बता पाओगे क्या? वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, ठीक है? स्लोप ऑफ क्या निकाल गया? एपी निकाल गया, ठीक है? उसी तरीके से क्या आप मुझे स्लोप ऑफ बीपी बता पाओगे क्या? वाई माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स टू। और अगर सभी लोग 9th-10th क्लास पढ़ के आए हैं तो ए वाला एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है? तो अगर ए स्लोप एम वन है और ए स्लोप एम टू है तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन आने वाला है। तो ये बात अगर सही है तो क्या हमें यहाँ वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई टू मल्टीप्लाइड बाई कितना एक्स माइनस एक्स टू डिवाइड बाई इक्वल टू कितना? क्या इस पूरे टर्म को इधर लेके जाना चाहिए और इसको ऊपर ही रहने देना चाहिए? जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या ऊपर वाला इक्वेशन दिख रहा है? नहीं दिखा? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको y माइनस वाई वन इधर रहने दो, मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई टू लिख दो, तो इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा होगा x माइनस एक्स वन और x माइनस x2। जो इस साइड आप लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा? 0। आया? ठीक है, अब अगला चीज समझेगा। कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, टचेज वाई एक्सिस एट ओरिजिन। वाई एक्सिस एट ओरिजिन, वाई एक्सिस को टच जरूर कर रहा है लेकिन कहां पे टच कर रहा है? यानी अगर हम फिगर को दिखाएं तो कुछ ऐसा सर्कल है आपके पास जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। कहां टच कर रहा है? यानी यहां टच कर रहा है y एक्सिस पे। अरे आया? अच्छा एक बात बता, ए सेंटर अभी भी माइनस जी कॉमा जीरो है, तो क्या ए वाला पॉइंट तुम्हें माइनस टू टू जी कॉमा जीरो दिख रहा है क्या? अरे ये जी है तो उतना ही दूरी पे ही होगा क्योंकि y एक्सिस पे ही तो टच कर रहा है। हाँ या ना बोल? ओरिजिन से ये दूरी माइनस जी है तो ये उसका डबल होगा, डायमीटर है। तो क्या ये वाला पॉइंट तुम्हें जीरो कॉमा जीरो दिख रहा है? तो क्या ये सर्कल जीरो पॉइंट जीरो से पास हो रहा है? तो क्या ये c की वैल्यू जीरो है? अभी बताया। तो क्या इसका इक्वेशन अब तुम्हें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस केवल 2gx इक्वल टू जीरो दिख रहा है? सोच ले। सोच लिया? कोई दिक्कत है? अच्छा उसी तरीके से इसी चीज को अगर हम बदल दें और बोल दें इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज x एक्सिस एट ओरिजिन, x एक्सिस एट, तो आपको जो इक्वेशन बन के दिखेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई इक्वल टू जीरो दिखेगा क्या? अगर फिगर दिखाने की कोशिश करें तो एक ऐसा सर्कल है जो यहां पे ऐसे गुजर रहा होगा और यहां पे ऐसे रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा कितना रहा होगा और ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा कितना रहा होगा? आप डायमेट्रिक फॉर्म भी लगाओगे तो आंसर आएगा। हाँ या ना बोल? अरे आया? नहीं आया? ठीक है। अब मान ले पोजीशन को चेंज कर दिया हमने फिर, और अब हम बोल रहे हैं कि जो सर्कल है
वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है टच। तो बहुत सारे केस हो सकते हैं ना, हो सकता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सकता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में हो, सकता है फोर्थ। यानी हम अगर फिगर दिखाएं, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज बोथ एक्सिस, टचेज हम एक फिगर बता रहे हैं, बाकी जनरलाइज करेंगे। समझना कि हमारे पास एक सर्कल है, रुक जा, हमारे पास एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। सोच लिया, ए सर्कल इधर भी आ सकता है, ए सर्कल नीचे भी आ सकता है और ए सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बता, क्या इसका सेंटर जितना ए है उतना ही है? है ना। अच्छा और क्या ये तुम्हें रेडियस ही दिख रहा है क्या? बोलाया तो क्या तुम्हें इसकी कोऑर्डिनेट आर कॉमा आर दिख रही है? दिख गई। तो क्या तुम्हें सर्कल का इक्वेशन x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिख रहा है क्या? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, पहला वाला फॉर्मूला है ना। लेकिन अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों आर कॉमा आर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस आर कॉमा आर है, तो क्या हमें यहाँ प्लस माइनस लगा देना चाहिए अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो दोनों का दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो अरे आया। अगर कहता है कि सर्कल का इंटरसेप्ट दिया रहा है, क्या दिया रहा है, तो हम उस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। यानी कहता है इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल टू कितना बच्चे जीरो। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जो हम डायरेक्ट पुट करके आपको बता रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में कहेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी। तो एक बात बता मुझे कि अगर सर्कल है तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है तो ये सर्कल कुछ इस तरीके का बना होगा, जहां पे एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है यहां से लेके यहां की दूरी 1.0, सोच लिया, और यहां से यहां की दूरी 0.2, सोच लिया। तो क्या 1.0 इससे सेटिस्फाई करेगा? 1.0 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा सर्कल की इक्वेशन, और 2.0 भी इस इक्वेशन को, और क्या सी सभी को 0 दिख रहा है क्योंकि ओरिजिन से तो पास हो रहा है? अरे नहीं क्या? तो अगर जैसे सी 0 दिखा, 1.0 इसको सेटिस्फाई किया, ए स्क्वायर हाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर ए कितना हो गया बीस, अरे 0 हो गया गधो। 1.0 सेटिस्फाई कर रहा है, पूरा लिखो सर, फॉर ए कॉमा जीरो ए स्क्वायर प्लस ए 0 हो गया, एक्स के जगह क्या लिखेगा, एक्स के जगह क्या लिखेगा, तो क्या माइनस ए स्क्वायर लिखे, ठीक है अच्छा, और ए इक्वल टू कितना आ गया जीरो, बहुत बढ़िया। इसी सर्कल के इक्वेशन में पुट करवा रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। अबे गधा पहले जनरल इक्वेशन में पुट करेगा, ये तो रिजल्ट लिखा है जिसको हम प्रूफ कर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल ध्यान नहीं है ना सर, आप बोलो हम मान लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है सर, आप बोलो, आप बोल दो कि सर हाथी ही बिल्ली, आप बोल दो हम मान लेंगे, हम बिल्ली का सूंड निकाल लेंगे सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल का इक्वेशन कितना बैठा है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस और प्लस सी इक्वल टू 0.0 के लिए सी 0 आ चुका है, बताने की जरूरत है। 1.0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या रहेगा टू जी ए, ठीक है अच्छा, और ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 0, बोल आया। अच्छा दूसरा इक्वेशन 0.0, हाँ दूसरा इक्वेशन अगर 0.b के लिए चेक करें तो कितना आएगा b = 0, क्या आपको यहां से a कॉमन होते हुए दिख रहा है, तो क्या a माइनस टू जी दिख रहा है, a प्लस टू जी दिख रहा है इक्वल टू 0 दिख रहा है, क्या यहां से आपको b कॉमन दिख रहा है तो ये b प्लस टू f दिख रहा है इक्वल टू 0 दिख रहा है, क्या ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता,
ए जीरो हो सकता क्या? नहीं, ये तो हमने बोला ए है, ए है हाँ। तो किसको जीरो होना पड़ेगा? ए प्लस टू जी। अगर ए प्लस टू जी जीरो है तो ए की वैल्यू कितनी है? माइनस टू जी। और बी की वैल्यू कितनी है? माइनस टू बी। क्या इस इक्वेशन को हम उठा के यहाँ रखें तो क्या तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख गया? अरे दिखा गया। ए की वैल्यू हमारे पास कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ, टू जी हमारे पास कितना है? ए है। टू जी कितना है? माइनस ए है। कितना है? माइनस एक्स दिखा गया और माइनस का बी वाई दिखा गया, इक्वल टू जीरो दिखा गया। अरे यही प्रूफ करना था क्या? अरे टू जी की वैल्यू है इतनी, तो यहां से जब टू जी का वैल्यू निकालेगा तो क्या तुम्हें माइनस ए दिख रहा है? और टू एफ का वैल्यू क्या तुम्हें माइनस बी दिख रहा है? तो यहां से इस फॉर्मूला से टू जी को हटा के क्या लिखेगा? माइनस ए। और टू एफ को हटा के क्या लिखेगा? माइनस बी। तो क्या ये वाला इक्वेशन नहीं दिखा रहा जिसको हमने तुम्हें डायरेक्ट बताया कि अगली बार से अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया रहे तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखने का कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच एक्स इंटरसेप्ट इज माइनस टू एंड वाई इंटरसेप्ट इज फाइव। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का माइनस प्लस का, अरे एक्स इंटरसेप्ट माइनस टू बोला ना तो माइनस माइनस नहीं है, गधा गधा फूड वाला गधा है। ठीक है हाँ, एक क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? पक्का समझ में आया? नोट कर फटाफट। झांसा दे दिया अब लोग। एक चीज और इसमें देखेंगे बस, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। समझ गए, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन या फॉर्म आप जो भी बोले, इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या कहता है समझ की, जैसे आपके पास मान लीजिए एक सर्कल है, अगर ये अभी सेंटर्ड एट द ओरिजिन, सेंटर्ड एट द ओरिजिन, यहां पे जब आप कोई पी पॉइंट लेते हो जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ये मान लीजिए आपके पास आर है और ये एंगल थीटा क्या है, तो आप यहां से देख पा रहे हो कि x जो है वो r cos थीटा है, क्या ये बात सभी लोग मानने को तैयार है? और y जो है वो कितना है बच्चे? r sin है। कोई दिक्कत है? नहीं। यही कहलाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहां पैरामीटर क्या है? थीटा। पैरामीटर क्या है? थीटा। कोई दिक्कत है? ये एक ही है ना पोलर। हां हां, ये पोलर फॉर्म, हां वही चीज है। ये वाला पॉइंट कितना रहा होगा? x कह रहा होगा, तो x का इसका रिजोल्यूशन r cos थीटा, और y कितना रहा होगा? r sin थीटा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इस सर्कल को हम शिफ्ट कर दें, क्या कर दें? शिफ्ट। हाँ, थोड़ा कहानी तो समझ। क्या अगर ये मान ले सर्कल यहाँ कहीं है और अब ये जो पॉइंट है वो h कॉमा k है, क्या है बच्चे? h कॉमा। लेकिन अभी भी ये जो एंगल है यहां से, ये जो एंगल है वो अभी भी थीटा ही है, कितना है? थीटा। तो क्या तुम्हें यहां से x की वैल्यू h प्लस r cos थीटा दिख रही है क्या? और y की वैल्यू k प्लस r sin थीटा दिख रही है? हाँ, बता चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बता चुके हैं। h यूनिट इधर ऐड कर दिया, r cos थीटा ले लिया, y k यूनिट ऊपर ऐड कर दिया और r sin थीटा ले लिया। आया बात समझ में? ठीक है, अब आ जा कुछ क्वेश्चन पे। कह रहे हैं मान ले कि हमें अभी ये सारी चीजें जो बताई उसमें हम आपको चेक करके बता रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो कहां लाई करेगा, उसकी अगर हमसे चर्चा पूछ ले कि हाँ कोई पॉइंट है आप बताओ कि कहां लाई कर रहा है, तो कह रहा है डिस्कस द पोजिशन ऑफ पॉइंट, डिस्कस द पोजिशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो आपके पास है 1.2 एंड 6.0, 1.2 एंड 6.0 विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल का इक्वेशन दिया है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू कितना? 0। समझेगा इसको फटाफट, पहला हम पॉइंट ले रहे हैं कौन सा बच्चे? 1.2। क्या ले रहे हैं? तो हमने बोला जहां जहां x है वहां 1 पुट करो, जहां जहां y है वहां क्या पुट करो? 2। तो जैसे यहां रखोगे 1 का स्क्वायर प्लस a आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा, आया क्या? और माइनस का 11 जब सॉल्व किया तो ये हो गया 1 प्लस a कितना हो गया? 4। माइनस कितना आ गया? 4। और प्लस कितना आ गया? 4। और माइनस का क्या? इस 4 से इस 4 को काटा, ये हो गया 5 और माइनस 11 और माइनस 6 क्या आया? 0 से छोटा या बड़ा? छोटा। तो कहां लाई करेगा भैया? इनसाइड। कोई दिक्कत है क्या? दूसरा वाला चेक कर लोगे खुद से? हाँ, दिखता मुश्किल है होता आसान है। ठीक है, हो गया।
ये आपके बुक का एक लास्ट क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में, जिसमें बोलेगा कि आप चेक करो कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, मतलब वो और आसान बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ताकि कंसेप्ट को हम बता पाए थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। सबसे लास्ट क्वेश्चन देख, दो एक्सरसाइज है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखेगा इधर, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कह रहा है व्हिच सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, व्हिच सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ऑफ लाइन हमारे पास दो दिया है, वो दिया है पहला लाइन 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन दिया है बच्चे 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसी में आगे क्या करा है एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, एंड पासेस थ्रू ओरिजिन। अब एक बात समझेगा इस क्वेश्चन कि जो सेंटर है वो इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सभी को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है, यानी एलिमिनेशन मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, वाई हमारा क्या होगा सेंटर, अरे हाँ या ना, तो लिखेंगे सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल वन एंड एल टू, जो यहां हमने एल वन लिया और यहां क्या लिया, जब इसको सॉल्व किया है तो एक्स की जो वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू हम वो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस 1/17 कितना बचे, और वाई की जो वैल्यू आई है वो आई है 22/17 कितना बचे 22/17 क्या निकाल लोगे खुद से, अरे निकाल लोगे एलिमिनेशन या करके दिखाएं, निकाल लोगे ना, ए सिक्स कर देना, दोनों को क्या कर देना सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेना। ठीक है, जब तुम्हें सेंटर निकल गया, सेंटर तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए हमारे पास जी और एफ तो आ गया, क्या आ गया भैया जी और एफ, हाँ सेंटर यही होता है, एक इसकी वैल्यू बच्चे माइनस जी की और एक इसकी है, लेकिन हमें एक चीज और चाहिए, ओ एस सी, वो है कह रहा है वो जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी है, एज द रिक्वायर्ड सर्कल, एज द रिक्वायर्ड सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, इसीलिए हेंस c इक्वल टू कितना होगा बच्चे, तो जो सर्कल का इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2gx और प्लस का 2fy इक्वल टू कितना, 0 0 0 0, क्या ये बात समझ में आई, तो यहां g की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास माइनस 1, ये सेंटर है माइनस 1 अपॉन ये g है, सॉरी अच्छा ये माइनस d कॉमा माइनस f, हां याना बोल सेंटर हमारे पास कितना है माइनस जी कॉमा माइनस है, तो यहाँ जी के जगह क्या पुट करोगे 1/17, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2/17 एक्स दिख रहा है क्या, सोच ले और माइनस का कितना 44/17 वाई इक्वल टू 0 सोच लिया दो से मल्टीप्लाई करके, हाँ या ना, अच्छा सभी को एलसीएम लेने आता है, तो क्या हम इसको 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर लिखने वाले हैं, प्लस का 2x लिखने वाले हैं, माइनस का 44y लिखने वाले हैं, इक्वल टू 0 लिखने वाले हैं, सोच ले कोई दिक्कत है क्या, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल आया, कोई दिक्कत है, बुक खोल एनसीईआरटी खोल, 4x है, अबे वो सर्कल नहीं है वो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, एक एक्सरसाइज सर्कल का है, एक पैराबोला का, एक इलिप्स का और एक हाइपरबोला का, वो जितना दिया है ना वो अपन सर्कल के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे चारों एक्सरसाइज मिला के, हाँ नोट करते रह, हाँ बुक खोल और देख उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हाँ इसीलिए खुलवा रहा है वो, खोल फटाफट और देख उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ नहीं आ रहा, अरे लिख पहले जो हम बोल रहे हैं, अभी रुक जाए इसके नहीं जा पाएगा अभी। If the abscissa and ordinate of the P and Q are roots of the equation, अभी नहीं, इसका एक फॉर्मूला होता है g square minus f, अभी नहीं पढ़ाया, अच्छा x intercept y intercept निकालना अभी देख, यहाँ अगर बुक पढ़ा होगा ना तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, अभी ये वाला टॉपिक कवर करना पड़ेगा, ये दिख रहा है कि x intercept y intercept, हाँ। अभी नहीं पढ़ाया सब, अच्छा सिमिलर लग रहा है, हाँ दिखता है, देख
पहले से लेके और छठे क्वेश्चन तक, पांचवे क्वेश्चन तक, कितने तक? आपका सेंटर दिया है और रेडियस दिया है, क्या दिया है? सेंटर रेडियस। और आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहा है, बहुत टफ है ना। पहला जो क्वेश्चन किया था 2, -3 और 5, बस वहां सेंटर की जगह दिया है, यानी एच और के की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी है? एस एक्स माइनस एच वाई माइनस के इक्वल टू आर एस पर लगाएगा। 1 to 5 सॉल्व। अगले इक्वेशन में आपको इक्वेशन दिया है, आपको सेंटर और रेडियस निकालना है। तो मान लिया अगर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45, सेंटर बोल। माइनस 4x माइनस 8y, सेंटर बोल जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 2 और 4, रेडियस निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 45 निकल गया क्या? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। कहां तक कंप्लीट हो गया? अब सुन ले, थोड़ी देर सुन ले। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है बस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5 एंड व्हिच सेंटर इज द सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस y इज माइनस 11 इक्वल टू 0। एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाइन कर रहा है। यहां कहीं लाइन लाइन दिया है आपके पास, कितना बच्चे? 4x प्लस कितना दिया है y और माइनस 16 इक्वल टू कितना ले लिया हमने? 0। इस पे इसका सेंटर लाई कर रहा है और ये जो सर्कल है वो दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक 4, 1 और एक 6, 5। किससे भैया? 4, 1 एंड क्या ले रहा है? 6, 5। पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे नहीं समझाना चाह रहा। तो एक बात बता, 4, 1 और 6, 5 का इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा? समझना, तो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, क्या X-square. हम 4, 1 के लिए ले रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब 16 प्लस 1 लिख दिया और 4 2 8x लिख दिया, 8g कितना हो गया? 8g और प्लस का 2f सोच लिया और प्लस c इक्वल टू 0 वो लिख दिया। सॉल्व होके उधर जाके माइनस 17 हुआ, ठीक है। यानी पहला इक्वेशन आया 8g प्लस का 2f प्लस c इक्वल टू माइनस 17। अब दूसरा सॉल्व कर रहे, 36 और 35 25 कितना हो गया? 30 20 पता 61 कितना हो गया? 61। उधर जाके माइनस 61 हुआ, माइनस 61 सोच लिया। अच्छा, यहाँ 6 दुना कितना आ रहा? 12g और 5 दुना कितना आ रहा? 10 और प्लस c इक्वल टू इतना है। बोलाया दो इक्वेशन लेकिन तीन वेरिएबल है, कितना है? कह रहा है जो सेंटर तुमने ले रखा है ना माइनस डी कॉमा माइनस है, ले रखा है ना सेंटर माइनस डी कॉमा, वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है? तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा। यानी एक इक्वेशन यहां से लिख, माइनस का 4g कितना है? y है, कितना है? y माइनस का 4g और माइनस का f इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16। यानी यहां से लिख 4g प्लस f इज इक्वल टू माइनस 16 सोच लिया क्या? बोल आया? देख ये लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अरे आया नहीं आया? अच्छा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सी गायब हुआ, जी और एफ में इक्वेशन आया, एक जी और एफ और एक जी ऑफ एफ, क्या जी और एफ की वैल्यू निकल गई? उठा के पुट किया, किसकी वैल्यू निकल गई? सी की। इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकला। हाँ आया ना बोल, अरे नहीं आया, समझ आ रही बात। उसी तरीके से अगला इक्वेशन भी दिया है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3, -1, 1 एंड व्हिच सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस x -3y -11 = 0। सेम क्वेश्चन फिर से इसी तरीके के इक्वेशन बनाए। अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 व्हिच सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन 2, 3 पासेस 2, 3। पहला समझ, रेडियस कितना दिया? 5। रेडियस कितना दिया? उसके बाद कर रहा सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी एफ 0 है। एफ क्या है? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस इक्वल टू 0 है। एफ गायब हो चुका है ना, आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? और जो इसकी सेंटर है और ये जो सर्कल है वो 2, 3 से पास भी हो रहा है। किससे पास हो रहा है? तो उसमें पुट करके जी और एफ में रिलेशन निकालेगा और वहां से जी और एफ की वैल्यू निकाल के पुट करेगा। सॉल्व होगा नहीं होगा तो हम बताएंगे, हम बस अभी आपको हिंट दे रहे हैं। Find the equation of circle passing through 0, 0 and intercept A and B on the coordinate axis x² - x - by + = 0। अभी कराया था। Find the equation of circle passing through 0, 0 and intercept A and B. Intercept A and B. अभी प्रूफ कराया था। x² + y² - ax - by = 0। अरे अभी कराया था ना, ठीक। उसके बाद find the equation of circle with center 2, 2 and passes through 4, 5. Same concept. और लास्ट क्वेश्चन है, does the point -2, -5, -3 lie inside, outside or on the circle x² + y² = 25? कितना x² + y² = 25? x के जगह कितना रखेगा? -2.5। y के जगह क्या रखेगा? 3.5 और -25 = 0। less than equal to greater than 0 जो भी है, अगर less than 0 है तो अंदर, बराबर है तो on the
ए हो गया आपका सर्कल समाप्त, एनसीईआरटी क्या एनसीईआरटी, यहां से अब अपनी दुनिया शुरू। इससे कोई लेना देना नहीं है अपने को कंपटीशन से, कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसके पास भी नहीं भटकेगा, बस इसका फॉर्मूला ही यूज करेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां से फॉर्मूला हमने क्या सीखा, एक एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस इक्वल टू जीरो, इसी के अलग अलग फॉर्म देखे। और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा वो देखा सेंटर का जो वैल्यू होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय टू, और जो रेडियस की वैल्यू होती है जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस सी। इतनी बात क्लियर है? चलिए आज की सभा यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, नोट कर ले, बहुत बहुत धन्यवाद।